सब्सक्राइब कीजिए क्लस्टर कैरियर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्लस्टर कैरियर चैनल में। और जैसा कि हमारी बात हुई थी और आपने पहले हमारी वीडियो देखी है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो अब ये वीडियो पार्ट थर्ड है जिसमें हम बात करने जाएंगे एमकॉम कोर्स की सीट्स के बारे में और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस के बारे में कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या चीज़ें पढ़नी है और उसकी मार्किंग क्राइटेरिया क्या है और फीस क्या है एमकॉम कोर्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सीट कितनी है। तो ये सारी चीज़ें इस पार्ट में हम जानने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारी जो पहली वीडियो थी पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड नहीं देखी है, जिसमें पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया है कि आपको कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमकॉम कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, तो उस वीडियो को जाके आप देखो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ आपको आई बटन में ऊपर वीडियो के टॉप पे एक लिंक मिलेगा, उससे भी जाके आप देख सकते हो, पार्ट वन पार्ट टू दोनों देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में आपको दिख रहा है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट अभी नहीं आई है, जैसे ही आएगी हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहें, स्टे ट्यून, सून वी विल अपडेट। सेकंड पॉइंट है कि कैटेगरी ए एंड बी, ये तो वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप देख लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात मैं उसी वीडियो में कर चुका हूँ। तो फोर्थ पॉइंट है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं एडमिशन के टाइम पे। तो इसमें बताया गया है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अंडर बोथ कैटेगरीज आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जो भी स्टूडेंट दोनों मतलब जो भी कैटेगरी थी ए और बी, दो कैटेगरी मैंने बताई थी, एंट्रेंस बेस्ड और एक डायरेक्ट एडमिशन मेरिट बेस्ड यानी कि, तो उनमें से जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे उनको अपने फॉर्म के साथ, जो उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त, उसके साथ ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो लिस्ट बनी हुई है इसके ये लेके जाना है। ठीक है, पहली चीज़ यह है कि आपको अपने यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, जो आपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया है वो उसकी मार्कशीट, फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है अपने कॉलेज से, अपने कॉलेज का ट्वेल्थ की मार्कशीट। ठीक है, फिर आपके जो मैट्रिकुलेशन यानी कि टेंथ की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ का एविडेंस होगा। और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से आ रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमकॉम कोर्स करने, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बाकी फोटोग्राफ आपको पता ही है, फोटोग्राफ तीन चार जो भी इसमें तो तीन दे रखी है, लेकिन आप ज़्यादा लेके आना। ठीक है, ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी एससी ओबीसी स्पोर्ट जो भी है आपके पास, आप जिससे बिलोंग करते हो, तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके आना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। ये चीज़ें थी। और पॉइंट नोट में देख लो, तो इसमें नोट में ये लिखा है कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो आप सबमिट करोगे एडमिशन के टाइम पे, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो या फिर डिपार्टमेंट में, तो वो आपको बाद कुछ दिनों बाद वापस मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन एट द टाइम एडमिशन के टाइम आपको सबमिट करने पड़ेंगे। डूइंग सम अदर कोर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नॉट परमिटेड, अगर आप एमकॉम भी कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से और किसी अदर यूनिवर्सिटी से कुछ कोई और कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा अगर कुछ भी कर रहे हो, तो वो परमिटेड नहीं है, आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है, सो डोंट डू दैट। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, ड्यूरेशन, स्कोप, मार्क्स, टेस्ट, इंटरव्यू इफ एनी। ठीक है, तो दो घंटे का टेस्ट है 400 मार्क्स का, 25-25 मार्क्स के चार सेक्शन होंगे। अब ये यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं, तो पहली जो यूनिट है उसमें इकोनॉमिक्स है, क्योंकि आप एमकॉम कोर्स करने जा रहे हो तो आप इकोनॉमिक्स, आपको नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड यूनिट है बिजनेस स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, फोर्थ यूनिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ। अगर आप बीकॉम ग्रेजुएशन में करके आ रहे हो तो आपको पता होगा कि ये सारे बीकॉम के सब्जेक्ट है। अगर आप बीए की, आपने अगर बीए किया है ग्रेजुएशन में या बीएससी किया है, तो आपको ये पढ़ने पड़ेगा। बाकी बीकॉम वालों को यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है कि उन्होंने ये सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनको रिवाइज करना होता है। फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्टूडेंट एनरोल फॉर एमकॉम इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स शैल पे रुपीज ऑफ 4001 रुपीज। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, मतलब अगर एडमिशन मिलता है आपको, जैसे क्या होता है ना कि कुछ कॉलेजेस भी प्रोवाइड कराते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है वो भी प्रोवाइड कराती है, तो जो कॉमर्स की फैकल्टी है वो अगर उसमें अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको 4,100 रुपये पे करने होगा। और अगर आप किसी कॉलेज में एमकॉम कोर्स कर रहे हो डीयू से जो एफिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको इस फीस के साथ, मतलब वो जोड़ के बताएंगे अपना, उनकी कॉलेज की फी भी होती है, वो टोटल करके आपको बता देंगे, वो उतना पे करना होता है। ठीक है, और ऑल स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 500 विद द फेवर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये सब एडमिशन प्रोसेस है, तो इतना कुछ खास है नहीं, जब आप जाओगे तो आपको सब पता चल जाएगा, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लोग हुआ बना देते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट।
नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 181 सीट है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन में 88 सीट है और एंट्रेंस बेस पे 93 सीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख लीजिए, डायरेक्ट एडमिशन में 88 सीट है जनरल कैटेगरी के लिए और 93 सीट है एंट्रेंस बेस पे। टोटल 359 सीट्स हैं, जिसमें 174 डायरेक्ट पे है और 185 है कैटेगरी वाइज। आप देख सकते हो अपनी डिटेल्स, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और ये फिर स्पोर्ट्स कोटे जो होते हैं, स्पोर्ट्स कोटा या फिर ECA कोटा, CWD, ये सब जितने अदर कोटाज वाले हैं उनके लिए सीट है। तो आप देख सकते हो इसमें, तो अगर आप अप्लाई करोगे तभी एलिजिबल होगे इसके अंडर एडमिशन के लिए, अदरवाइज यू विल नॉट एलिजिबल फॉर दिस। ओके, अब लिस्ट है कि कहाँ पे MCOM कोर्स कराया जाता है। देखो, जैसे मैंने बताया कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो जो फैकल्टी होती है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सबसे पहले नंबर पे है, तो उसमें 93 सीट्स हैं, जिसमें से 46 आपकी डायरेक्ट एडमिशन होगा और 47 एंट्रेंस बेस्ड होगा। फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बिगेस्ट कॉलेज इन इंडिया फॉर कॉमर्स लाइन, तो उसमें 40 सीट्स हैं। 2020 हंसराज में है, रामजस में है, आपको लिस्ट दिख रही है, हिंदू में है, SGTB खालसा कॉलेज राजधानी, तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मैंने आपको सब चीज़ बता दी है। अगर आपने अभी तक अभी पार्ट वन पार्ट टू वीडियो नहीं देखी है तो जाओ और जल्दी देखो, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, आपका भी एडमिशन होके रहेगा, डोंट वरी, और कीप इन टच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगर आपको जो भी अपडेट्स मिलने वाले हों वो आप सबसे पहले देख पाओ मैं जब भी डालूँ। तो कीप इन टच, स्टे ट्यून्ड, ऑन ऑल दी बेस्ट।